हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटेटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स, चलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की परिभाषा के साथ, क्योंकि बेसिक जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह रहा हमारा पहला टॉपिक, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती क्या है, पहले परिभाषा बता देते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। तो उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका परिभाषा जान गए होंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, तो उसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। यानी लघुत्तम समापवर्त जो प्राप्त होता है हम लोगों को, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, तो उसको हम जैसे से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये लघुत्तम समापवर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो LCM। कहीं कहीं पर LCM भी लिखा रहता है और कहीं कहीं पर लॉस भी लिखा रहता है। तो उसका मतलब वही हो गया शॉर्टकट में, लॉस यानी कि लघुत्तम समापवर्त। और LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मतलब हो गया न्यूनतम, कॉमन मतलब हो गया समान या उभयनिष्ठ भी पढ़ सकते हैं, मल्टीपल मतलब हो गया गुणज। अब फ्रेंड्स, चलते हैं जैसे से वैसे 3, 5, 6 का LCM निकालें। ये तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे, LCM मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि न्यूनतम सामान्य गुणज, या कहीं कहीं पर कॉमन को जो है उभयनिष्ठ भी बोला जाता है, सामान्य भी बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका हल करके देखते हैं, 3, 5, 6, 2 से तो नहीं, कम से कम लघुत्तम में एक नियम है कि कोई 2 संख्याएं कटना चाहिए यानी विभाजित होना चाहिए, जो छोटी से छोटी संख्या लेंगे उससे। अगर 2 लेते हैं तो 6 में आपसे पूरा पूरा भाग लग जाता है, 5, 3 में भाग पूरा पूरा नहीं लग पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लेंगे, कम से कम 2 संख्या आना चाहिए, 3 एकम 3, 5, 3 दूनी 6, अब किसी से नहीं लगेगा भाग। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 5 × 2 यानी कि 5 × 3 = 15 × 30। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हो गया। आप देखते हैं जो दी गई संख्या से यानी कि 3, 5, 6 जो संख्या दी गई है, उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ पर ट्राई करते हैं, ये तो हमारा आंसर हो गया, वो छोटे से छोटी संख्या क्या प्राप्त हुआ, 30। इधर देखिए 3 है, थ्री फाइव और सिक्स, 3 में इसमें कितना से गुना करेंगे जो 30 प्राप्त होगा, तो 3 × 10, 10 से गुना कर दिए, पूरा पूरा भाग लग रहा है इसमें, 5, 6 के 30, इसमें भी लग रहा है, 6, 5, 30 यानी कि
जो छोटी संख्या प्राप्त हुई है वह सही में जो है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? लघुत्तम समावर्त कहते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स महत्तम समावर्त के बारे में जानकारी ले लेते हैं परिभाषा के साथ। महत्तम समापवर्तक, ये महत्तम समावर्तक क्या है? तो लघुत्तम तो है छोटे से छोटी संख्या है, महत्तम एक नाम से स्पष्ट है जो अधिक वाली संख्या है। तो वह क्या होता है अधिक वाली संख्या? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? महत्तम समावर्तक को हम मसव भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, उसे मसव कहते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिक चीज के लिए परिभाषा जरूरी है। आप चलते हैं फ्रेंड्स ये महत्तम समावर्तक इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एस सी एफ, कहीं कहीं पर एस सी भी लिखा, एस सी एफ भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर मसव भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर महत्तम समावर्तक लिखा रहता है, तो तीनों एक ही चीज़ है। तो चलते हैं एस सी एफ का फुल फॉर्म। एच का मतलब हो गया हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन और एफ का मतलब फैक्टर। हाईएस्ट मतलब अधिकतम यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, कॉमन तो पता ही है सामान बोलिए या उभयनिष्ठ बोलिए, फैक्टर मतलब पता ही है गुणनखंड। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे ऐसी आपका फुल फॉर्म क्या होता है। अब उसको समझने के लिए जैसे का सहारा लेते हैं। जैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एक ठो जैसे समझ में आ गया तो दुनिया का जितना भी प्रश्न है आप सोल्व। तो फ्रेंड्स महत्तम समावर्तक को समझने के लिए जैसे का सहारा लेते हैं, क्योंकि जैसे अगर समझ में आ गया तो दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो आप उस पर आप सोल्व कर सकते हैं। यानी खास करके महत्तम समावर्तक कहीं से भी कुछ भी आए महत्तम समावर्तक के बारे में तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, इसलिए जैसे ज़रूरी है। ऐसे 12 और 16 का एससीएफ याद करना है। फ्रेंड्स अभी तो इसका हम परिभाषा बेसिक चीज़ बता रहे हैं, अब अगले वीडियो में होगा जो एलसीएम याद करने की कितनी विधियाँ हैं और एससीएफ याद करने की कितनी विधियाँ हैं। तो अभी यहाँ पर यह दिखा रहे हैं जो महत्तम समावर्तक क्या होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? मसव कहते हैं। जैसे 12-16 का हमको क्या करना है? ऐसी आप ज्ञात करना है, तो चाहे आप भाग विधि द्वारा या अभाज गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? मसव कहेंगे। तो 12-16 का हम चलते हैं, 12-16 चाहे आप भाग विधि से ट्राई कीजिए या फिर गुणनखंड विधि से, दोनों एक ही चीज़ है। तो 12-16 यानी दोनों तरफ से करेंगे भाग विधि से या गुणनखंड से, सेम आंसर आएगा। तो 12-16, 12 एकम 12, 6 में से 2 गया 4, फिर 12 आ गया, 4 3 12, तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे आप कितना प्राप्त हुआ, ये 4, यानी कि वह अधिकतम संख्या कौन सी है? 4 है, जिससे ये दोनों क्या हो रहा है? पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक अनुदाहरण ले लेते हैं, 8-12 का एस सी एफ।
आप लोग अन्य उदाहरण से भी ट्राई कर सकते हैं, इसको मौखिक ही बनाते हैं, जैसे 8 12 हो गया। इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे 8 और 12 है, 8 12 हुआ इसमें, तो वो कौन सी संख्या है? तो 8 12 को विभाजित कर दें तो 2 से भी और 4 से भी, 2 से भी पूरा पूरा भाग लग रहा है, 2 चौका 8 2 छक्के 12, और 4 से भी पूरा पूरा भाग लग रहा है इसमें, 8 में 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो वो प्रश्न उठता है कि 2 4 में किसको लें, ये एक प्रकार का समझिए छोटा सा ट्रिक है। तो दोनों में किस किनको लें, तो दोनों में जो बड़ी संख्या होगी तो ये 4 क्या है, बड़ी है, यही हो गया, ये क्या 4 क्या है, बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या होगा वही क्या करेंगे, हो गया हमारा क्या महत्तम। आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।